गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का मैं आज फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 9 विषय हिंदी पार्ट 1 दो बैलों की कथा, जिसके लेखक थे मुंशी प्रेमचंद्र, उनके बारे में पढ़ा था। साथ ही दो पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिए, जिसमें बताया गया है कि बैलों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, कहाँ उनको आत्मीय भाव महसूस होता है और कहाँ पर उनको दुख दर्द दिए जाते हैं, वो आहत हो जाते हैं। तो ये सारी बात हमने पढ़ी थी। और कल जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया था, उसमें बताया था कि दोनों बैलों को कांजू होस में अर्थात मवेशी खाने में कैद करके रख दिया जाता है। इसके साथ अब उनके साथ वहाँ पर किस तरीके का व्यवहार होता है, उसके बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। तो सभी से कहना चाहूँगी कि अपनी अपनी अगर हिंदी की पाठ्य पुस्तक आपके पास है तो उसको खोले, और नहीं है तो एक नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठे, ताकि जो मैं आपको लेसन पढ़ा रही हूँ, पाठ पढ़ा रही हूँ, उसमें जो कठिन शब्द आते हैं उन कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको दिखाऊंगी, बोर्ड पर लिखाऊंगी, तो उसको आप अच्छी तरीके से लिख सके। तो अगला पैराग्राफ जो है, चौथे नंबर का पैराग्राफ, उसके बारे में मैं पढ़ूंगी और कठिन शब्द लिखूंगी, तो उनको आप लिखना। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा। अब साबिका जो कठिन वर्ड है, कठिन शब्द जो है साबिका, उसका अर्थ आप लिखेंगे। साबिका का अर्थ आप लिखेंगे वास्ता या सरोकार। यानी साबिका का अर्थ होता है वास्ता या सरोकार, कि उनके जीवन में ऐसा पहली बार घटित हुआ था। जो बैलों की आयु है, जब तक उन्होंने अपना जीवन अपने मालिक के यहाँ व्यतीत किया था, छोटे से बड़े हो गए, लेकिन ऐसा साबिका अर्थात ऐसा वास्ता या ऐसा सरोकार उनका कभी नहीं हुआ था। यानी अपने जीवन में ऐसा कठिन समय उन्होंने कभी भी नहीं देखा था कि पूरा दिन बीत गया था और उनको खाने के लिए एक तिनका भी नहीं मिला था। तृण का अर्थ होता है तिनका। कैसे बर्बरता पूर्वक व्यवहार दोनों बैलों के साथ किया जा रहा है, और कांजी होंस में अर्थात मवेशी खाने में उनको पकड़कर बंद कर दिया जाता है और पूरा दिन बीत जाता है और उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता है। यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी कई अच्छा था। यानी कि गया इतना अच्छा नहीं था, लेकिन कांजू होस में अर्थात पूरा दिन व्यतीत होने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिल रहा था, तो वो सोच रहे दोनों बैल की, इससे अच्छा तो अपना पहला वाला मालिक ही था, कि वहाँ पर कुछ ना कुछ खाने के नाम पर सूखा चारा तो उनको दे ही दिया जाता था। वहाँ पर कई भैंसे, बकरियाँ, गधे, घोड़े, अनेक जानवर वहाँ पर बंधे हुए थे। ये सारे जानवर वहाँ पर क्यों बंधे हुए थे, क्योंकि ये दूसरे व्यक्तियों के खेतों में जाकर उनका उनकी जो फसलें होती थी उसको नष्ट कर देते थे और उनकी फसलों को खा जाते थे। तो ऐसे आवारा पशुओं को पकड़कर वहाँ पर, जिनका कोई मालिक नहीं होता है, पकड़कर बंद कर दिया जाता था, और जब कभी उनका मालिक आता था लेने के लिए, तो वहाँ पर उनसे कुछ दंड के रूप में राशि लेकर उनको छोड़ दिया जाता था कि नुकसान जो हुआ है उसकी आप भरपाई कर दीजिए और अपने पशुओं को आप लेकर जाइए। या फिर ऐसा होता है कि अगर 5-6 महीने बीत गए और अगर कोई मालिक नहीं आता था, तो उस स्थान पर क्या किया जाता था, उन जानवरों की नीलामी कर दी जाती थी और नीलामी में उन जानवरों को बेच दिया जाता था, और जो पैसे आते थे उनसे जिस खेत के मालिक की नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वहाँ पर कर दी जाती थी। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए हुए देखते रहे, एक ही नज़र लगाए बिना पलक झपकाए उधर देखते रहे, पर कोई चारा लेकर आता हुआ नहीं दिखाई दिया। पूरे दिन भर उनके मन में एक आस थी कि अब आए, अब हमारे सामने कोई खाने की चीज़ डालेगा, कोई चारा डालेगा, लेकिन पूरा दिन व्यतीत हो गया, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला, तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। हीरा जो बैल है, उसके मन में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी कि सहन करने की भी एक सीमा होती है, अब वह सीमा पार हो चुकी है। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता, और अब देखो कि अब मैं क्या करता हूँ। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि शायद अपने दोनों के प्राण यही के यही निकल जाएंगे भूख और प्यास के कारण। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो, हीरा ने क्या कहा कि हे मोती, तुम इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो, यहाँ से भागने का कोई ना कोई उपाय हमें मिल ही जाएगा और यहाँ से हम भाग ही जाएंगे। लेकिन पूरे दिन भर उनको कोई खाने के लिए कुछ सामान नहीं देता है, तो अंत में वह क्या करते हैं कि दीवार जो होती है, जिस
कांजू होस में उनको बंद किया जाता है, वहाँ की दीवार ही वह चाटने लगते हैं। उस दीवार को वह चाटते हैं तो वह दीवार उनको नमकीन दीवार के रूप में लगती है, तो उसको वह चाटे जाते हैं। फिर हीरा के मन में आता है कि क्यों ना इस दीवार को चाट रहे हैं, तो अपने सींग मार कर इस दीवार को गिरा दिया जाता है। और उस समय वह ऐसा ही करता है। हीरा मजबूत था और अपने मजबूत सिंगों से वह उस दीवार पर मारता है, अपने सिंगों की उस दीवार पर मारता है। तो क्या होता है, मिट्टी की एक चिप्पड़, चिप्पड़ का आप लिखोगे परत, अर्थात जैसे जैसे वो अपने सींग को दीवार पर मारता है वहां से एक परत निकलकर गिरती है। उसी समय उसके मन में और दिमाग में एक योजना सूझ जाती है कि हाँ, इसको अगर मैं बार बार किए जाऊंगा, बार बार करूंगा, अपने सींग से जोर से इस दीवार पे मारूंगा, तो इतनी मारने के बाद, तीन चार बार मारने के बाद एक चिप्पड़ उतरी थी, अर्थात एक परत निकली थी मिट्टी की, तो उसने सोचा कि शायद थोड़ा थोड़ा और मारूंगा तो और ज़्यादा यह गिर जाएगी। और दोनों ने किया भी ऐसा ही, हीरा और मोती दोनों बैलों ने ऐसे किया, दोनों खड़े हो गए थे और अपने सींग से जोर से उस दीवार को मारने लगे। उसी समय क्या हुआ, कांजू होश में एक व्यक्ति आया लालटेन लेकर, अर्थात चौकीदार आता है, लालटेन लेकर आता है और कांजू होश में उन जानवरों की क्या करने आता है, हाजिरी लेने के लिए आता है, उपस्थिति लेने के लिए आता है। अब जानवर तो बोलते तो नहीं है, लेकिन वो वहाँ आकर गिन लेता है कि कितनी बकरियाँ थी, कितनी भेड़े थी, कितने गधे थे, कितने घोड़े थे, कितने बैल थे, कितनी गाय थी, तो ये सारी उसकी डायरी में नोट रहता था और वह एक एक को देख कर उसकी हाजिरी ले लेता। अब पाठ्यपुस्तक में पीछे प्रश्न ये जरूर आएगा कि कांजू होश में चौकीदार जो है वह हाजिरी लेने के लिए क्यों आता था। तो कांजू होश में वह व्यक्ति हाजिरी लेने के लिए, अर्थात चौकीदार हाजिरी लेने के लिए आता था, ताकि वहाँ पर जो बंद जानवर थे उनकी जो दिनचर्या है, अर्थात सुबह एक बार वो हाजिरी लेने के लिए आता था, एक बार हाजिरी लेने के लिए रात को आता था, ताकि उनकी जो गतिविधि है उसके बारे में वह पता लगा सके कि किस प्रकार से उनका रवैया है, कैसे वह रह रहे हैं, या फिर यूँ देखने के लिए कि कहीं किसी जानवर ने उत्पात तो ना मचाया हो और उत्पात मचाकर किसी ने भागने की कोशिश तो ना की हो। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। जैसे चौकीदार आता है, हीरा और मोती की हरकत देखकर वह दंग रह जाता है और इसके रूप में वह उनको बहुत जोर से पीटता है। बहुत जोर से पीटने के बाद, मारने के बाद वह उनको एक मोटी रस्सी से उसी स्थान पर बांध देता है ताकि आगे से ये ऐसा कार्य ना कर सके। इस रूप में उनको बांधा गया कि उनके जो सींग थे वह सींग उस दीवार तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला। भाई मोती कहता है हीरा को, भाई तू मजबूत है, तू शक्तिशाली है, तेने जो कार्य किया उसके बदले में तुझे क्या मिली, उसके बदले में तो तुम्हें मोटे डंडे से, रसीद का अर्थ होता है मोटे डंडे से, तुम्हें उसके बदले में मार ही मिली। कुछ परवाह नहीं, मरना तो है ही, क्यों ना हम कुछ करते हुए मरे, ऐसा बैल ने सोचा और दीवार पर वापस वह उस रस्सी को थोड़ा ढीला करके अपने सींग मारने लगा। मोती ने दीवार में उसी जगह सींग मारा जिस जगह पहले मारा था और जिस जगह की वो चिप्पड़ अर्थात परत जो निकली थी उसी स्थान पर वह वापस दोबारा से सींग मारना शुरू कर देता है। उस समय से क्या होता है कि दोबारा से पहले तो एक परत गिरती है, उसके पश्चात क्या होता है, मिट्टी गिरने लगती है परत से, कुछ बड़े रूप में उससे, उस दीवार से मिट्टी गिरने लगती है, अंदर जो पत्थर होते हैं वह भी दिखने लग जाते हैं। और फिर हिम्मत बढ़ी, हीरा और मोती दोनों की क्या हिम्मत भी बढ़ गई कि हाँ, ये काम हमसे हो सकता है, इसको हम कर सकते हैं। क्योंकि सहने वाला किस सीमा तक सहे, एक सीमा होती है सहने की, जब वह व्यक्ति या जानवर उस सीमा को पार कर देता है तब वह कार्य कुछ अलग ही हो जाता है। फिर तो वह सींग लगाकर उसको जोर जोर से मारने लगा और कुछ देर पश्चात थोड़ी थोड़ी करके वह दीवार गिरने लगी और दीवार का गिरना वहाँ पर शुरू हो गया था। वहाँ पर जो जानवर पड़े थे, अर्थात अधमरे रूप में जो जानवर पड़े थे, जिनमें यूँ लग रहा कि सिर्फ श्वासें चल रही थी, क्योंकि खाने के नाम पर उनको कुछ भी नहीं दिया जाता था और उनको बंद करके रखा जाता था, तो बिल्कुल मूर्छित सी अधमरे की स्थिति में वो सारे जानवर थे। लेकिन उन्होंने जैसे ही देखा कि दीवार गिर गई है और उनके मन में आया कि दीवार जैसे ही गिरी हम यहाँ से उठकर भाग जाएंगे, तो उनके मन में भी एक उत्साह जाग जाता है और सारे जानवर चेत उठे, अर्थात प्रसन्न होकर कि यहाँ से हम भाग जाएंगे, उस स्थिति में ऐसा सोचकर वह वहाँ से जाग उठे थे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, सरपट का अर्थ होता है जल्दी से, सरपट का अर्थ होता है जल्दी से, बिना देर लगाए
बिना सोचे समझे बस यह मौका मिल गया और यहाँ से हमें भागना ही है। तो वो वहाँ से भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसे निकली, वहाँ पर जो भी जानवर थे धीरे धीरे करके वहाँ से सारे जानवर निकल गए। लेकिन गधों के बारे में कहा जाता है ना कि गधे तो मूर्ख होते हैं। उस समय वो तीनों गधे वही के वही, तीन गधे इसमें आए हैं, एक ही स्थान पर खड़े थे। तब हीरा और मोती कहते हैं कि भाई तुम क्यों नहीं भाग रहे हो, क्योंकि उनके गले में तो क्या है मोटी मोटी रस्सियाँ बंधी हुई है, तो वो तो भाग नहीं सकते। लेकिन दूसरे जानवरों के लिए उन्होंने वह रास्ता निकाल दिया था कि इस स्थान से तुम अब भाग सकते हो। लेकिन गधे है तो गधे सोच रहे हैं कि भागे या ना भागे, फिर वापस मन में सोच रहे अगर भाग गए और पकड़ में आ गए तो पता नहीं कितनी मार पड़ेगी, इसलिए वो उस स्थान से हटना ही नहीं चाहते, यानी वो कोशिश ही नहीं करना चाहते। पहले से वो परिणाम सोच कर रख रखा है अपने पास कि अगर हम पकड़ में आ गए तो कितना जोरदार हमें मारा जाएगा, कितना हमें पीटा जाएगा, तो उस मार से बचने के लिए वो अपने उसी स्थान पर खड़े हैं। मूर्ख इसीलिए इनको कहा गया है। अभी तक सोच रहे थे कि यहाँ से भागे या ना भागे, मोती की आंखों में आंसू आ गए थे। मोती की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, लेकिन हीरा की जो गले की रस्सी थी वह टूटी नहीं थी और मोती की टूट गई थी। तो मोती को हीरा कहता है कि हे भाई तू मेरे को छोड़कर यहाँ से चला जा। तो यहाँ पर दोनों की मित्रता देखो, दोनों की मित्रता इतनी प्रगाढ़ है, इतनी घनिष्ठ है कि एक दूसरे को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। अगर हीरा के गले की रस्सी नहीं टूटी है तो मोती कहता है कि ऐसी विपत्ति में मैं यह मित्र तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब तक हर सुख दुख में हम साथी रहे हैं, एक दूसरे का साथ दिया है, तो अंत समय तक भी हम साथ ही देंगे। फिर ऐसा ही होता है, मोती गर्व से बोलता है कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो भी वह उस मार में किसी चिंता की बात नहीं है, कि तुम्हारे लिए मैं यह मार भी खा लूंगा, तुम्हारे साथ के लिए मैं यह भी सहन कर लूंगा। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सिंगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला, यानी जो वह गधे हिल नहीं रहे थे अपने स्थान से बिल्कुल भी बाहर जाने के लिए, मन में सोच रहे थे, संकोच कर रहे थे जाए या ना जाए, तो हीरा और मोती ने अपने सिंह मार मार कर उन गधों को वहाँ से बाहर निकाल दिया कि जो होगा जो देखा जाएगा, एक बार तो मौका मिल रहा है तो तुम यहाँ से बाहर निकलो। तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। बोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में खलबली मच जाती है। खलबली क्यों मच जाती है? क्योंकि कांजी होश अर्थात मवेशी खाना जो था उससे सारे जो जानवर थे वह भाग चुके थे। वहाँ पर अब कौन रह जाता है? हीरा और मोती। और हीरा और मोती दोनों को वहाँ पर देखकर जो वहाँ के चौकीदार होते हैं वह समझ जाते हैं कि यह सारे जो कार्य किया गया है वह हीरा और मोती दोनों जानवरों के द्वारा किया गया है। तो उस स्थान पर हीरा और मोती दोनों को पकड़ लिया जाता है, मोटी रस्सियों से उनको बांध दिया जाता है और बड़ा डंडा लाकर उनको खूब पीटा जाता है कि यह जो काम किया है अपने जीवन में तुम वापस दोबारा ना करो, इसके लिए उनके सबक के रूप में वापस वहाँ पर बांध दिया जाता है और उनको खूब मारा जाता है। तो यह भाग चार जो था वह आज पूरा हो गया है। आगे का जो भाग पाँच है उसके बारे में बताती हूँ अब मैं आपको कि कांजी होश से उन जानवरों के भाग जाने के बाद जो दोनों बैल बचे जाते हैं उन बैलों की वहाँ पर किस प्रकार से नीलामी की जाती है, और नीलामी करने के बाद जब उसको ठेकेदार जो भी उसका मालिक होता है ले जा रहा होता है, तब वह जो रास्ता होता है वह उनका रास्ता परिचित होता है और उस स्थान से वह अपने मालिक के पास वापस पहुँच जाते हैं। तो क्या होता है अगले में अपन देखेंगे। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वही बंधे रहे। कहाँ बंधे रहे? उसी कांजी होश में अर्थात उसी मवेशी खाने में एक सप्ताह तक वह दोनों बंधे रहे। किसी ने एक सप्ताह तक उनको एक तृण भी नहीं डाला, तृण का अर्थ मैंने आपको बताया है, एक दिन का भी उनको वहाँ पर नहीं डाला गया था। हाँ, एक बार दिन में एक बार शायद पानी दिखा दिया जाता था। पानी दिखा दिया जाने का मतलब है कि पानी इतना डाला जाता था कि जिससे सिर्फ उनके गले की प्यास बुझ सके, भरपेट पानी भी वह नहीं पी पाते थे। यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे। किस कारण से दुर्बल हो गए थे कि एक सप्ताह तक उनको किसी प्रकार का तिनका भी नहीं डाला गया, घास फूस कुछ भी खाने के नाम पर नहीं दी गई और पानी भी सिर्फ दिन में एक बार दिया जाता था, वह भी इतना सा कि वह उनके लिए पर्याप्त नहीं होता था। इस कारण से वह दोनों बैल क्या हो गए थे? बहुत ही दुर्बल हो गए थे कि इतने दुर्बल हो गए थे कि अंत में जब सप्ताह भर बाद उनको देखा गया तो वो वहाँ से उठने के लायक भी नहीं रहे थे, यानी हिल भी नहीं रहे थे और उनकी ठिठुरियाँ निकल आई थी। ठिठुरियाँ का मतलब होता है शरीर से हड्डियाँ पसलियाँ जो थी वह बाहर से ही दिखाई दे रही थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी, डुग्गी डम डम
जो उससे क्या होता है कि गांवों में जब किसी चीज़ का या किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है उससे पहले पूरे गांव में उस डुगडुगी वाले को घुमाया जाता है। वह अपनी डुगडुगी की आवाज़ से एकत्रित आसपास की सारी भीड़ को वहाँ पर एकत्रित कर लेता है और जो भी फिर अपना संदेश होता है उसके माध्यम से वहाँ पर देता है। तो जैसे ही डुगडुगी बजी वहाँ पर गांव के आसपास के जितने भी लोग थे सारे एकत्रित हो गए थे और डुगडुगी इसलिए बज रही थी कि कांजी होश में जो जानवर बचे थे उनकी उस दिन नीलामी की जाने वाली थी। तो उस दिन क्या होता है, आसपास के 50-60 आदमी मिलकर वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं और उन बैलों को देखते हैं। उनकी ऐसी दुर्बल दशा देखकर वो कहते हैं कि ऐसे दुर्बल बैल जो कि मरणासन्न स्थिति में हो, यानी मरने के निकट, यूँ लग रहा था कि क्या जिएंगे ये, अब ऐसे बैलों को अगर नीलाम भी करेंगे तो ऐसे दुर्बल बैलों को कौन लेकर जाएगा। सहसा एक दड़ियल आदमी, दड़ियल का अर्थ होता है अड़ियल, और उस नीलामी में भाग लेने वाला व्यक्ति वहाँ पर आता है और उन दोनों बैलों को देखता है और नीलामी में उन दोनों बैलों को खरीद लेता है। उस समय क्या होता है कि दोनों बैल जो होते हैं उसका चेहरा देखकर अंतर ज्ञान से अर्थात आंतरिक मन से दोनों बैल सोचते हैं और उसको देखकर उनका दिल जो होता है वह कांप उठता है, क्योंकि वह जो व्यक्ति था वह दिखने में ही बहुत ही अजीब सा दिखाई दे रहा था, तो दोनों बैल उसको देखकर ही डर जाते हैं। हीरा ने कहा, गया के घर में ही हम अच्छे खासे थे, क्या पता क्या सूझी और हम वहाँ से क्यों भाग गए। अब जात हमारी जो जात है अर्थात हम दोनों जो बैल है अब शायद नहीं बचेंगे, शायद इस मवेशी खाने से ले जाकर हमें यह जो व्यक्ति खरीद रहा है कहीं ले जाकर और बेचते और शायद हमें पता नहीं कि इस जन्म में जीने के लिए और समय मिले या ना मिले, शायद यूँ लगता है कि हमें कहीं पर मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा और हमारी जो चमड़ी है, मांस है, हड्डियाँ है, शायद उनसे किसी न किसी प्रकार के कुछ सामान बनाकर बेच दिए जाएंगे। भगवान, दोनों भगवान पर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि भगवान ने एक बार हमारी जान उस छोटी सी बच्ची के कारण बचाई थी, हो सकता है कि आगे भी ईश्वर हमें देख रहा हो और हमारी मदद कर दे। लेकिन मोती सोचता है कि भगवान अगर होता तो अब तक हमारी मदद कर चुका होता है। यह आदमी जो है हम पर छुरी चलाएगा, देख लेना। बैल सोच रहे हैं और बैल कह रहे हैं कि यह जो आदमी है जो हमें ले जा रहा है नीलामी के रूप में, हमें प्राप्त करके जो ले जा रहा है, शायद ऐसा हो सकता है कि यह हमारे ऊपर एक दिन छुरी चला देगा। नीलामी हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल व्यक्ति के साथ पीछे पीछे चल दिए। आगे आगे वह व्यक्ति चल रहा है, पीछे वह बैल चल रहे हैं। कभी होता है कि बैल आगे हो जाते हैं और वह दड़ियल व्यक्ति उनके पीछे हो जाता है, और जैसे ही कहीं पर दोनों बैल रुकने की कोशिश करते हैं, कहीं पर विश्राम करने की कोशिश करते हैं, तो वह दड़ियल व्यक्ति आता है और ज़ोर से डंडा मारता है, जिसके कारण से दोनों बैल कहीं रुक नहीं पाते और वह अपने स्थान से चलने लगते हैं, आगे चले जाते हैं। राह में गया ने बैलों का एक झुंड देखा और एक ऐसा बाड़ा देखता है जहाँ पर गाय, बकरी और घोड़े जो सब है बंधे हुए हैं और आराम से हरा हरा चारा खा रहे होते हैं। सभी जानवर वहाँ पर प्रसन्न थे, आनंददायक थे। इसको देखकर दोनों बैलों के मन में बहुत ही दुख होता है कि काश हमारा जीवन भी ऐसा होता और हम भी शायद आगे बढ़ पाते और हमारे जीवन में भी शायद ऐसी प्रसन्नता होती, हम भी कहीं पर बंद होकर भोजन कर रहे होते अर्थात हरी हरी घास खा रहे होते। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि शायद जिस रास्ते से वह दड़ियल व्यक्ति उन बैलों को ले जा रहा था, तो दोनों बैल सोचते हैं कि शायद यह रास्ता वही है जिससे हम शायद यहाँ पर पहले गया के यहाँ लाए गए थे। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था, वही खेत, वही बाग, वही बाड़े, ठीक है, तो सारी चीज़ें वही आ रहे थे, तो यार पूरा रास्ता ही उनके लिए क्या हो गया था, वह पूरा रास्ता ही उनके लिए परिचित सा लग रहा था। तो दोनों बैल देखते हैं कि मन में सोचते हैं कि हाँ यही वही स्थान है झुरी का जहाँ पर हम रहते थे और वह हमें यही पानी पिलाने के लिए लाता था और यही वह स्थान है जहाँ पर वह हमें चराने के लिए लाता था। तो दोनों बैल उन्मुक्त होकर बछड़ों की भांति, उन्मुक्त का अर्थ होता है मतवाला, उन्मुक्त का अर्थ होता है मतवाला, यानी मस्ती करते हुए छोटे से बछड़े के समान उछल कूद करते हुए वह अपने गंतव्य स्थान पर कुलेल करते हुए अर्थात क्रीड़ा करते हुए अपने ही स्थान पर पहुंच जाते हैं। झूरी द्वार पर बैठा था, धूप सेक रहा था और दोनों बैलों को अपने स्थान पर आया हुआ देखकर वह प्रसन्न हो जाता है, उनके पास जाता है, उन दोनों बैलों को गले लगाता है और उनको चूम लेता है। एक झूरी का हाथ चाट रहा था, दूसरा अपनी गर्दन को झूरी के पास ले जा रहा था कि झूरी जैसे उसके गर्दन पर हाथ फेरे, सहलाए, वह उसको
अच्छा लगे। तो दड़ियल ने आकर दोनों बैलों को रस्सियों से पकड़ लिया, गले में जो रस्सियाँ थी उन रस्सियों को देखकर उस दड़ियल व्यक्ति ने दोनों बैलों को पकड़ लिया। तो जूरी कहता है कि यह बैल मेरे है, लेकिन दड़ियल व्यक्ति कहता है कि यह बैल तो मेरे है, नीलामी में मैंने इन दोनों को खरीदा है। तो जूरी कहता है कि तुमने खरीदे होंगे तब खरीदे होंगे, लेकिन अब ये इस स्थान पर आकर खड़े हो गए, इसका मतलब ये है मेरे बैल है, और अब किसी की भी हिम्मत नहीं है कि इन बैलों को पकड़ सके या इनको अपने कब्जे में ले सके। दड़ियल जल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बड़ा, उसी वक्त क्या होता है कि मोती ने अपना सींग उसकी तरफ दे मारा। दड़ियल पीछे हट गया, पीछे हटना ही दिमागदारी है, अगर पीछे ना हटता तो यूँ हो सकता है कि उन बैलों के जो सींग है वह शायद उस दड़ियल व्यक्ति के पेट में घुस जाते हैं। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे पीछे दौड़ा और दड़ियल व्यक्ति आगे आगे भाग रहा था, अर्थात वह उस स्थान को, उस गांव को छोड़कर चला जाता है और गांव से पूरी तरह से उसको खदेड़ दिया जाता है, दोनों बैलों की तरफ से उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया जाता है। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था कि देख लूंगा, पुलिस को बुलाऊंगा, दोनों बैल मेरे हैं और मैं इनको लेकर जाऊंगा, गालियां दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती हीरा और मोती जो है वो विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके वहीं पर खड़े थे और उसको देखकर आसपास के जितने भी व्यक्ति थे इस सारे तमाशे को देख रहे थे और प्रसन्न हो रहे थे कि बैल भी कैसे कि अपने मालिक के पास वापस आ गए हैं। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा और अपने मालिक के पास आकर बैठ गया। जरा देर के बाद क्या होता है कि दोनों बैलों को वहाँ पर अपने स्थान पर थान पर बांध दिया जाता है, मोटी रस्सी से नहीं ऐसे ही, और बांध इसलिए दिया जाता है कि कोई शायद उनको वापस खोल कर ले जाए नहीं, वरना जो उसका मालिक है वह उनसे, दोनों बैलों से बहुत प्रेम करता है और उनके सामने हरा चारा डाला जाता है, दाना पानी जो भी होता है, चोकर जो होता है उसकी व्यवस्था की जाती है, दोनों मित्र भरपेट कर उस भोजन का, उस खाने का आनंद लेते हैं और झूरी खड़ा दोनों को सहलाता है, प्यार से देखता है और उनको पुचकारता है, और आसपास के जो लड़के हैं वो सारे खड़े होकर इस तमाशे को देखते हैं। उसी समय घर की जो मालकिन होती है वह आती है और दोनों बैलों को प्रेम करती है और उनके माथे को चूम लेती है। तो यह पाठ आज आपके सामने पूरी तरीके से पूरा हो चुका है। 5 भाग जो इसमें थे वह मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, किस प्रकार से एक कृषक परिवार और पशुओं के बीच में जो भावात्मक संबंध होते हैं वह इसमें बताए गए हैं, कि जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, वह भी समझते हैं कि हमसे कौन प्रेम करता है, वह भले मुख भाषा में बात करते हैं लेकिन कौन उनकी तरफ है, कौन उनका हित चाहता है तो वह उसी के साथ रहना पसंद करते हैं। अब यूँ देख लो कि इस पाठ को स्वतंत्रता के संघर्ष से भी जोड़ा गया है कि किस प्रकार से देश को आज़ाद कराने के लिए अगर प्रयत्न ना किया जाता तो शायद आज देश आज़ाद ना होता, और अगर दोनों बैल भी हिम्मत ना करते और प्रयत्न ना करते तो शायद आज यह भी किसी मवेशी खाने में बंद होते हैं या किसी व्यक्ति के द्वारा इनको काट दिया जाता। तो इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है, दुख देखे हैं और उन संघर्षों से किस प्रकार से जीत हासिल करनी है और विजय प्राप्त करनी है यह शिक्षा पूरी इस पाठ में दिखाई गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि पाठ के अंदर कि स्त्री का सम्मान करना, शत्रु पर सिंह न चलाना, अर्थात बेरी व्यक्ति जो होता है या बेरी प्रतिद्वंदी जो होता है उसके साथ अगर सामने वाले के पास हथियार नहीं है और वह जमीन पर गिर गया है तो उसके साथ हमें भी वैसा आक्रमण नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। साथ ही प्रेमचंद्र जी के द्वारा जो मुहावरों का प्रयोग किया गया वह बहुत ही अच्छा है, एक मुहावरा जैसे कि 9-2-11 होना, भाग जाना, इसमें बताया गया है। साथ ही आदर्शवादी यह कहानी है और मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियों में हर कहानी में किसी न किसी प्रकार की सीख हमें ज़रूर मिलती है। इस पाठ में हमें इन दो बैलों की कथा से यही सीख मिलती है कि जीवन में जब किसी चीज़ को सहन करने की सीमा टूट जाती है उस समय हमें उस सीमा को तोड़कर अर्थात आगे निकल जाना चाहिए और जहाँ पर अपना हित है उसको समझते हुए अपने हित के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि संघर्षशील व्यक्ति का जीवन ही सुखदायी बनता है। इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वह मैंने पूरा पाठ पढ़ा दिया तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, फिर भी कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता देती हूँ मुख भाषा में ही, और निबंधात्मक क्वेश्चन जो है वो आपको स्वयं ही करने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न देखना, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? तो कांजी होश में जो पशु थे उनकी हाजिरी इसलिए ली जाती थी, जो कि मैंने पाठ पढ़ाया उसमें बताया था, ताकि अगर कोई जानवर उत्पात मचाता है तो उसकी देखरेख की जा सके, अगर वो
कोई जानवर वहाँ से भाग गया हो तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके, टोटल कितने जानवर वहाँ पर है इसकी जानकारी प्राप्त की जा सके, इसके लिए वहाँ पर हाजिर ली जाती थी। छोटे बच्चों को दूसरा क्वेश्चन है, छोटे बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया था? तो छोटी बच्ची जो है वह अनाथ थी, जो उसकी सगी माँ थी उसकी मृत्यु हो चुकी है और जिस माँ के पास वह रहती थी वह उससे प्रेम नहीं करती थी, तो दोनों बैलों को जब वह रोटी देती थी तो उस समय उनको आत्मीयता का भाव महसूस होता था, इसलिए छोटी बच्ची को क्या बताया गया, छोटी बच्ची को देखकर बैलों के मन में भी और बैलों को छोटी बच्ची को देखकर मन में प्रेम उमड़ आता था। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं? तो नीति विषयक मूल्य 3-4 इसमें आए हैं, जैसे कि स्त्री पर हाथ ना उठाना, स्त्री पर अत्याचार ना करना, बेरी पर आक्रमण ना करना और मुसीबत में मित्र को, विपत्ति में मित्र को नहीं छोड़ना, उसका साथ नहीं छोड़ना, ये आदर्शवादी कहानी है। तो नीति विषयक बातें ये इस पाठ के अंतर्गत आई हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे की स्वभावगत किन किन विशेषताओं के बारे में बताया गया है? तो स्वभावगत मूर्ख तो उसको कहा गया है, साथ ही वह सीधा होता है, बोला होता है, सहनशील होता है, इन बातों को इसके अंतर्गत बताया गया है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? 3-4 बार ऐसी घटनाएं हुई है। एक बार तो कांजीवंस में ही देख लो कि उसको हीरा और मोती को बांधा जाता है तो एक मित्र की रस्सी टूट जाती है, दूसरे की नहीं टूटती है, तो मोती जो होता है हीरा को भागने के लिए कहता है लेकिन वह नहीं भागता है कि विपत्ति में अपने मित्र को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी बातें इसके अंतर्गत आई है। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है या भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो स्त्री के प्रति आदर्शवादी रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने पाठ के अंतर्गत भी चाहे मनुष्य ही मनुष्य अर्थात पुरुष स्त्री पर हाथ ना उठाए, अत्याचार ना करे, इस चीज़ को ध्यान में रखकर पशुओं पर भी यही सिद्धांत उन्होंने लागू किया है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी को व्यक्त करना है तो पूरा जो यह पाठ है एक किसान कृषक परिवार और जानवर अर्थात बैलों के ऊपर आधारित, तो किस प्रकार से उनमें भावात्मक संबंध है तो ये आप खुद कर सकते हैं। इतना तो हो ही गया था कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी क्या क्या विशेषताएँ बताई गई हैं? आज के परिवेश में देखा जाए तो इंसान ऐसे हो गए कि पहले खुद का भला सोचेंगे, अपने परिवार का भला सोचेंगे, फिर अगर वक्त मिला तो आस पड़ोस का और समाज का भला सोचेंगे। लेकिन दोनों जानवरों को देखा जाता है तो यूँ देख लो कि वो खुद बंधे हुए हैं लेकिन उस दीवार को तोड़ते हैं और तोड़ते तो 10-12 जानवर वहाँ से निकल जाते हैं तो उनके लिए, और जब गधे नहीं निकल रहे तो गधे को भी कहा जाता है कि तुम यहाँ से निकलो, जब वह नहीं निकलते संकोचवश वहीं खड़े रहते हैं तो वह दोनों बैल उसको सींग मारकर वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। तो परहित जो होता है, दया की भावना जो होती है वह इस पाठ में बताई गई है। दोनों बैल भी ऐसा ही करते हैं कि वह शायद पकड़े जाते हैं लेकिन 10-12 जानवरों को वहाँ से छुड़वा देते हैं। वो कहते हैं कि अगर परोपकार कर ही रहे, किसी की अच्छाई कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो आशीर्वाद के रूप में हमें अच्छाई ही प्राप्त होगी, शायद वह जानवर हमें दुआ ही देंगे क्योंकि अच्छाई के बदले में हमेशा अच्छाई ही प्राप्त होती है। ईश्वर देख रहा है तुम किसी का अच्छा करोगे तो उसके बदले में तुम्हारा भी अच्छा ही होगा। और आशय स्पष्ट कीजिए, अगर इसमें किसी प्रकार की गद्यांश की व्याख्या आती है तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। निबद्धात्मक क्वेश्चन आपको ही करने हैं रचना और अभिव्यक्ति और भाषा अध्ययन के आधार पर। तो मेरे द्वारा प्रस्तुत पाठ दो बैलों की कथा आपको पढ़ाया गया है। मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको पूरी तरीके से बहुत ही बढ़िया तौर तरीके के रूप में समझ में आ गया होगा क्योंकि एक कहानी है और कहानी में क्या क्या हुआ है पूरा मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपको अगर क्वेश्चन आंसर में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो बोर्ड पर जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर करें और अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। आगे का जो पाठ है वह मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।